Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So welcome back to another very very important video regarding a cabin crew profession. So ये video सिर्फ domestic airlines के लिए applicable नहीं है, but also this video is going to be applicable for all those people who wants to join in aviation in international airline as a cabin crew. So basically this video is for everyone who's looking for a profession in aviation as a cabin crew, and also this is one of the very important topic which I'm going to discuss today, which is eligibility criteria for a cabin crew member in any airline, be it international or be it domestic airline. So if you are someone who's looking for a career in aviation as a cabin crew, then this video is a must watch for you, because इस video में मैं वो सारे के सारे points cover करूंगी जो एक eligibility criteria में आते हैं for a cabin crew member. So I always get a lot of comments regarding the eligibility criteria की cabin crew कैसे बने, how can you become a cabin crew, या फिर उसके लिए कोई अलग से course करना पड़ता है, कोई exam देना पड़ता है. सो लेट मी टेल यू गाइज, कैबिन क्रू बनने के लिए कोई एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोर्स करने की जरूरत है. कैबिन क्रू के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ज्वाइन करना, या फिर कोई कोर्स करके ज्वाइन करना पड़ता है, या फिर कोई एग्जाम देना पड़ता है. आई इवन यू नो गॉट कॉमेंट्स की दैट पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं एंड यू आर फॉलोइंग द राइट वे एंड द राइट पाथ, तो ट्रस्ट Trust me, you don't have to pay anything to anybody. Cabin crew बनने के लिए कोई extra पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, and you can become cabin crew by just following few simple steps जो मैं इस video में आपको समझाऊंगी. तो just make sure you are keeping a note of every points I am going to mention in this video, ताकि आपको एक idea मिल सके कि आप cabin crew बनने के लिए eligible हैं कि नहीं. So anybody who wants to become a cabin crew, उनका जो first doubt होता है वो ये होता है कि वो cabin crew बनने के लिए eligible हैं कि नहीं, उनके पास वो सारी क्राइटेरिया है या नहीं. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपको कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. ऑल्सो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैबिन क्रू बनते कैसे हैं, वो भी मैं मेंशन करूंगी लास्ट में. सो मेक श्योर आप लास्ट तक ये वीडियो देखें, सो दैट एक्चुअली यू आर अवेयर कि कैबिन क्रू कैसे बनना है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको कैबिन क्रू बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, एंड हाउ शुड बी योर स्किन कॉम्प्लेक्शन, को 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज चाहिए, डू यू हैव टू गो टू एन इंस्टीट्यूट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आपको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है कैबिन क्रू बनने के लिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी, बिकॉज आई कैन अश्योर यू इस वीडियो के एंड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ कैबिन क्रू. सो इफ यू वॉन्ट टू नो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ कैबिन क्रू और नॉट, देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एवरी एयरलाइन के जो कैबिन क्रू के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं सारी एयरलाइंस में. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं उनमें आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है इट इज ओनली 12th स्टैंडर्ड. एंड अनदर एग्जाम्पल कि मेजर जो एयरलाइंस होती हैं, बी इट इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, उनमें टैटूज अलाउड नहीं होते व्हेन यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म. तो उनके यूनिफॉर्म में विजिबल टैटूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रिस्ट में टैटू है तो वो अलाउड नहीं होता है बहुत सारी एयरलाइंस में, बिकॉज उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो हाफ स्लीव्ड होता है. सो दे डोंट वॉन्ट कि कोई भी टैटू विजिबल हो अगर आप उनका यूनिफॉर्म पहने. तो ये भी मेजर एयरलाइंस में एक रिक्वायरमेंट है. सो इसी तरीके से मैं सारे रिक्वायरमेंट्स को मर्ज करके एक कॉमन नोट बना के रखा है मैंने, एंड दैट्स हाउ आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग ऑल द मेजर एयरलाइंस रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कैबिन क्रू. ऑल्सो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के लिए. आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग ऑन ऑल द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक एयरलाइंस. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एनी एयरलाइन, बी इट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, आपको हमेशा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स को थरोली पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो दे कैन एड सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट विच दे नीड इन देयर कैबिन क्रू. सो बिफोर बिकमिंग अ कैबिन क्रू इन एनी एयरलाइन यू हैव टू मेक श्योर यू ऑलवेज चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट, चेक देयर रिक्वायरमेंट, एंड देन यू अप्लाई फॉर दैट एयरलाइन. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू यू नीड टू बी अवेयर कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिक एयरलाइन फर्स्ट. तो इंडिया में टू बिकम अ कैबिन क्रू यू नीड टू बी 18 ईयर्स एंड अबव. यू कैन नॉट बी 17 years, 8 months, 9 months, 10 months. No, you have to be 18 years and above officially to become a cabin crew in any domestic airlines in India. And the maximum age to become a cabin crew in domestic airline is till 27. तो बेसिकली आप 18 से लेके 27 तक
कभी भी कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं. डजंट मैटर इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और अ फ्रेशर. नाउ एक्सपीरियंस लोगों के लिए वो जो एज क्राइटेरिया है वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फ्रेशर इट्स 27, बट फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन इट इज टिल 35. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 30 साल तक कोई और जॉब कर लिया बट नाउ यू वॉन्ट टू स्विच योर करियर टू एविएशन, देन यू कैन डेफिनेटली स्विच योर करियर. यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू इवन इफ यू आर 31 और 32 ईयर्स ऑफ एज बाई शोइंग योर एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम अनदर कंपनी. सो ये हो गया डोमेस्टिक एयरलाइंस का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइन. सो इंटरनेशनल एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के लिए आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 21 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए. अगेन यू कैन नॉट बी 20 एंड अ हाफ, 20 ईयर्स एंड 9 मंथ्स एंड 10 मंथ्स. यू नीड टू बी 21 ईयर्स एंड अबव टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एनी इंटरनेशनल एयरलाइन. ओके नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन एंड अगेन अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू विच इज एजुकेशन. सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए, कोई एग्जाम देना पड़ता है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है. आई विल क्लियर ऑल दीज डाउट्स इन दिस टॉपिक विच इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरलाइंस. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर यू गाइज इज कि जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कैबिन क्रू बनने के लिए किसी भी एयरलाइन में, उसके लिए आपको कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है. किसी भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कोई भी एयरलाइन आपसे कोई भी तरीके की सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मांगती है. सो एवरी एयरलाइन रिक्वायर्स यू टू हैव योर ग्रेजुएट डिग्री और योर 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट. सो लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिक एयरलाइन. सो डोमेस्टिक एयरलाइन में जितनी भी एयरलाइन है, मेजर एयरलाइंस, दे ओनली रिक्वायर टू क्लियर 12th स्टैंडर्ड. आपको सिर्फ अपना 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है एंड देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एनी डोमेस्टिक एयरलाइंस. यस, दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन यू नीड टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एनी डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया. आपको अलग से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नहीं पड़ता बिकॉज इंडिया में सारी एयरलाइंस की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ 12th स्टैंडर्ड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो इंटरनेशनल में जितनी भी मेजर एयरलाइंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल द मिडल ईस्ट एयरलाइंस, दे ऑल्सो अगेन ओनली वॉन्ट योर 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट. उनका एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड होता है. देर आर फ्यू एयरलाइंस जिनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर एयरलाइंस ओनली हायर पीपल हु आर ग्रेजुएट. और आपको किसी भी सर्टिफिकेट या फिर किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ता. ऑल यू हैव टू डू इज टेक योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड शो इट टू द रिक्रूटर ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू एंड यू विल बी एलिजिबल टू बिकम अ कैबिन क्रू ऑन एजुकेशन बेसिस. ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज होने चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में कितने परसेंटेज होने चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. तो किसी भी एयरलाइन में एज सच नंबर नहीं लिखा है कि आपको इतने परसेंटेज आने चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. एवरी एयरलाइन जस्ट आस्क कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. बट देयर इज वन एयरलाइन इन इंडिया विच इज विस्तारा एयरलाइंस, जो अपने रिक्वायरमेंट में उन्होंने मेंशन किया है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में मैंडेटरी 60% एंड अबव होना चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में, तभी आप उनके कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट बाकी जो भी एयरलाइंस हैं, बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उनमें किसी में भी परसेंटेज नहीं लिखा है. सो अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट है और अगर आपने पास कर लिया है 12th स्टैंडर्ड, देन यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू इन ऑल दोज एयरलाइंस. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रिक्वायरमेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल एयरलाइन, विच इज लैंग्वेज प्रोफिशियंसी. सो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए इंडिया में एज वेल एज इन एनी इंटरनेशनल एयरलाइन. इंडिया में देर आर टू मेजर लैंग्वेज विच यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इज हिंदी एंड इंग्लिश. सो इन एनी डोमेस्टिक एयरलाइन अगर आपको हिंदी और इंग्लिश आती है तो आप कैबिन क्रू बनने के लिए एलिजिबल है. एंड इन ऑल द इंटरनेशनल एयरलाइंस जो मेजर लैंग्वेज नीडेड है कैबिन क्रू बनने के लिए वो है इंग्लिश. बट दे ऑलवेज राइट कि अगर आपको कोई भी एडिशनल लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या फिर कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज या फिर फ्रेंच, स्पेनिश, एनीथिंग, देन इट इज अ वेरी गुड एडवांटेज टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंटरनेशनल एयरलाइंस. सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू इज योर हाइट एंड योर वेट. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड BMI, विच शुड बी हेल्दी एंड नॉट ओवरवेट और अंडरवेट. सो वॉट इज BMI? BMI इज बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स, विच इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग योर वेट एंड हाइट इन प्रपोर्शन. आप अपना BMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेक श्योर यू आर अवेयर कि आप कितनी सेंटीमीटर टॉल हैं और आपका वेट कितना kg है. सो यू कैन ऑलवेज गो टू गूगल एंड यू कैन टाइप बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर. वहां पे आप अपना वेट और हाइट डाल के यू कैन कैलकुलेट. इट विल शो यू इधर यू आर अंडर वेट और ओवर वेट और यू आर हेल्दी. सो एवरी एयरलाइन रिक्वायर्स यू टू बी ऑन द हेल्दी साइड
टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो मेक श्योर आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करने से पहले अपना BMI चेक करके तब आप जाएं. नाउ फॉर फीमेल्स, व्हाट इज द हाइट रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एयरलाइन? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 155 सेंटीमीटर. नाउ दिस ऑल्सो कीप्स डिफरिंग इन डिफरेंट एयरलाइंस. कभी कभी 158 हो जाता है, कभी कभी 160 भी हो सकता है, बट जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर है. और जो उनका वेट है वो हाइट से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. बेसिकली आपका जो BMI है वो हेल्दी साइड पे होना चाहिए. नाउ फॉर अ मेल कैंडिडेट, द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एयरलाइन इज 163 सेंटीमीटर, एंड अगेन द वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट. सो बेसिकली द बॉडी मास इंडेक्स शुड बी ऑन द हेल्दी साइड एंड नॉट अंडरवेट और ओवरवेट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस, सो फीमेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो मेजरली 160 सेंटीमीटर होता है बहुत सारी एयरलाइंस में, बट ऑल्सो दिस कीप्स डिफरिंग. सो मेक श्योर आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले जाके उनका हाइट और वेट क्राइटेरिया चेक कर लो, उसके बाद से आप अप्लाई करो. फॉर एग्जाम्पल वेन आई गेव माई सिंगापुर इंटरव्यू, तो उनका जो फीमेल्स का हाइट रिक्वायरमेंट था वो 158 सेंटीमीटर था, विच इज डेफिनेटली गुड बिकॉज बहुत सारे लोगों को चांस मिल गया था जो 160 सेंटीमीटर नहीं थे. सो मेक श्योर यू ऑलवेज चेक दीज क्राइटेरियाज बिकॉज वो हमेशा चेंज होता रहता है, एंड वेट हमेशा जो हाइट है उसके प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हमेशा हेल्दी साइड पे होना चाहिए. सो मेक श्योर यू ऑलवेज कैलकुलेट योर BMI बिफोर यू अपियर फॉर एनी इंटरव्यू फॉर अ कैबिन क्रू इन इंडिया और इंटरनेशनल एयरलाइन. नाउ वॉट इज आर्म रीच टेस्ट फॉर अ कैबिन क्रू इन इंटरनेशनल एयरलाइन? सो आपने बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन में नोटिस किया होगा या फिर पढ़ा होगा कि दे ऑल्सो हैव अनदर क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड आर्म रीच टेस्ट, विच इज सपोज टू बी 212 सेंटीमीटर. सो वॉट इज दिस 212 सेंटीमीटर आर्म रीच टेस्ट? दिस इज बेसिकली दे मार्क अ लाइन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टिल 212 सेंटीमीटर ऑन अ वॉल. वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड फॉर फीमेल्स दे वॉन्ट कि वो अपना हील्स निकाल के एंड दे हैव टू स्टैंड ऑन देर टिप टोज एंड टच दैट लाइन. अगर वो लाइन टच हो गई उनके हैंड से, उनके फिंगर्स से, देन यू पास दैट टेस्ट. अगर आपका टच नहीं हो रहा है वो लाइन विथ योर फिंगर्स, देन दे डू नॉट टेक यू फर्दर फॉर इंटरव्यू. ये रिक्वायरमेंट क्यों है इंटरनेशनल एयरलाइन में? बिकॉज दे हैव वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, उनके एयरक्राफ्ट बहुत बड़े होते हैं, एंड उनके जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन हाइट पे रखे होते हैं. सो दे वॉन्ट कि उनके जितने भी कैबिन क्रू हैं वो एटलीस्ट उस हाइट तक पहुंच पाए इफ एनी इमरजेंसी अकर्स, सो दे कैन रीच दैट हाइट टू गेट एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट दे रिक्वायर टू डील एनी इमरजेंसी सिचुएशन. सो दैट्स वाई दे ऑलवेज कीप दिस आर्म रीच टेस्ट इन देयर इंटरव्यूज, ताकि वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करे जो 212 सेंटीमीटर रीच कर सकते हैं. सो फीमेल्स आर सपोज टू रिमूव देयर हील्स एंड स्टैंड ऑन देयर टिप टोज एंड हैव टू टच द 212 लाइन विद देयर फिंगर्स. अगर यहां तक भी आपका टच हो गया तो यू पास दैट क्राइटेरिया, पर अगर आप टच नहीं कर पा रहे हो विथ योर फिंगर्स स्टैंडिंग ऑन योर टिप टोज, देन दे डू नॉट एंटरटेन यू फर्दर एंड यू अनफॉर्चुनेटली गेट रिजेक्टेड बिकॉज ये रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यू एयरलाइंस के लिए. नाउ दिस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फॉर मेल क्रू मेंबर्स बिकॉज दे डू नॉट वेयर हाई हील्स, उनका नॉर्मल शूज होता है, सो दे कैन कीप वेयरिंग देयर शूज एंड दे हैव टू टच दैट 212 सेंटीमीटर का जो लाइन है विथ देयर फिंगर्स अगेन, एंड इफ दे कैन टच दे अगेन पास दैट क्राइटेरिया, पर अगर उनसे भी टच नहीं हो रहा है देन अगेन दे ऑल्सो गेट रिजेक्टेड. सो मेक श्योर अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस, फॉर एग्जाम्पल कतर एयरवेज एंड सिंगापुर एयरलाइंस हैज दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि वो 212 आर्म रीच टेस्ट करवाते हैं, तो अगर आप इन एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो सो मेक श्योर यू चेक दिस एट योर होम. आप अपने घर पे वॉल पे ग्राउंड लेवल से 212 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो एंड देन यू ट्राई टचिंग इट. अगर आपसे हो जा रहा है तो यू कैन डेफिनेटली अपियर फॉर दोज इंटरव्यूज, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, यू थिंक इट्स इम्पॉसिबल, देन देर इज नो पॉइंट बिकॉज ये बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एंड एयरलाइंस नीड यू टू क्लियर इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस विच यू नीड टू बिकम अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल एयरलाइंस. सो लेट मी टेल यू गाइज, डोमेस्टिक एयरलाइन में आपको जॉब करने के लिए किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. आप अगर 18 ईयर्स हैं, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया है एंड यू थिंक यू आर एलिजिबल टू बिकम अ कैबिन क्रू, यू कैन गो एंड अप्लाई एंड यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू इन एनी डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया. आपको किसी भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई एज अ फ्रेशर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस, सो अगेन मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, बट देर आर फ्यू स्पेसिफिक एयरलाइंस. फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स एयरलाइंस, उनका जो क्राइटेरिया है कैबिन क्रू बनने के लिए, दे नीड यू टू बी एक्सपीरियंस्ड इन एनी कस्टमर सर्विस जॉब फॉर 1 ईयर.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी होटल में एज अ कस्टमर सर्विस काम किया है या फिर किसी भी एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू काम किया है, आपने एज अ ग्राउंड स्टाफ काम किया है, देन यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू इन एमिरेट्स एयरलाइन. बट जो मेजर एयरलाइंस होती हैं दे हायर यू एज अ फ्रेशर, सो यू डू नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस टू बिकम अ कैबिन क्रू. एमिरेट्स में जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक साल का है, सो यू नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड इन एनी कस्टमर सर्विस रोल. And if you are, then you can apply for Emirates cabin crew as well. But Emirates doesn't hire freshers, so make sure you keep this in your mind before you apply to become a cabin crew in Emirates airline. Another very important topic to become a cabin crew in any airline is tattoo. So there are a lot of airlines who doesn't hire you if you have visible tattoos when you wear their uniform. For example, agar aapki wrist mein tattoo hai and jo airline ka uniform hai wo sirf half sleeved hai, then they will not hire you because it is visible on their uniform. So major airlines visible tattoos allow nahin karti hain. So make sure if you are planning to get any tattoo done, then make sure you do not do if you want to become a cabin crew, because it will create a huge problem on your interviews. Hidden tattoos are definitely allowed. Agar aapke tattoo aisi jagah pe hain jahan pe kisi ko dikhta nahi hai, and also if you are wearing that particular uniform to wo tattoo visible nahi hai, then those tattoos are definitely allowed. But jo visible tattoos hain, for example if you are wearing the uniform and that tattoo is visible, doesn't matter agar aap conceal bhi kar lo, still you have to declare those tattoos. So make sure you check the tattoo criteria before you apply for any airline. Now there are a lot of airlines jo un logo ko bhi hire karte hain jinke tattoos visible hote hain. For example, if you talk about Virgin Atlantic, they hire people who have tattoo anywhere in the body, and even if it's visible they don't mind. Now the policies differs from airline to airline. Kisi kisi airline mein tattoos allowed hain, kisi kisi mein nahi hai, aur also ye unke eligibility criteria mein mentioned hota hai. So agar ye mentioned hai ki unke mein allowed hai to aap definitely apply kar sakte hain, but agar unke airline mein allowed nahi hai, then you need to take care of it because it will create a problem on your interview days. But major jo domestic airlines hain aur international airlines hain wo apne uniform mein tattoo allow nahi karte hain, to aap हमेशा उनका यूनिफॉर्म चेक करो एंड देन चेक द लोकेशन ऑफ योर टैटू. अगर वो हिडन है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर वो विजिबल है देन इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर. अगर आप उसको कंसील भी करके जाते हो इंटरव्यू के लिए, फिर भी यू नो देर आर चांसेस कि वो आपके मेडिकल जो आपका चेकअप होता है उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़े. बट अगर आपका टैटू हिडन है समवेयर ऑन योर बॉडी एंड यू नो कि वो विजिबल नहीं होगा यूनिफॉर्म पहनने के बाद, सो इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू डिक्लेयर. एंड इवन इफ यू डिक्लेयर इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज द एयरलाइंस विल नॉट माइंड. बट अगर वो विजिबल टैटू है देन इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर अगर आप उसको कंसील करते हो या फिर छुपाते हो. अगर आपको लगता है कि आप कंसील कर सकते हैं एंड यू कैन कंसील इट फॉर एवर थ्रू आउट योर लाइफ और किसी को भी पता नहीं चलेगा, देन इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो बाद में जाके किसी भी तरीके से पता ना चले, बिकॉज यू माइट इवन लूज योर जॉब इफ यू लाई टू देम ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू, विच इज हेल्थ. एज यू ऑल नो, आपने अगर इंटरव्यू क्लियर कर लिया किसी भी एयरलाइन में, सो जो नेक्स्ट राउंड होता है, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंटरव्यू का बिफोर ज्वाइनिंग, इज मेडिकल चेकअप. आपका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होता है किसी भी एयरलाइन में. अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है देन ईदर योर एम्प्लॉयमेंट इज ऑन होल्ड और यू इवन माइट गेट रिजेक्टेड अगर कोई मेडिकल कंडीशन है. सो मेक श्योर इफ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू और यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन फ्यूचर, तो आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तभी आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं और तभी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू आउट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. लेट्स टॉक अबाउट योर स्किन कंडीशन. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि अगर उनके बहुत सारे स्कार्स हैं, एक्ने हैं, एक्टिव पिंपल्स हैं, तो वो कैबिन क्रू नहीं बन सकते. दिस इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, बिकॉज जो स्कार्स, पिंपल्स, एक्नेस तो बहुत सारे लोगों को होते रहते हैं. ऑफकोर्स इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट अगर बहुत ज्यादा है तो इट कैन क्रिएट, बिकॉज वेन यू गो फॉर द इंटरव्यू यू आर सपोज टू बी इन योर फुल मेकअप. तो अगर आपने अपने एक्टिव पिंपल्स पे मेकअप किया है तो इट विल डेफिनेटली नॉट लुक नाइस. सो यू डेफिनेटली हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. बट अगर आपके एक दो पिंपल्स हैं, थोड़े बहुत स्कार्स हैं जो कंसील हो जाते हैं प्रॉपरली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज. बट अगर बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं देन यू डेफिनेटली हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज एक क्लियर स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैबिन क्रू बनने के लिए. नाउ प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद क्लियर स्किन एंड द कलर ऑफ द स्किन. डजेंट मैटर आप डार्क स्किन्ड हो या फिर फेयर स्किन्ड हो, इट डजेंट मैटर इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू.
कोई भी एयरलाइन आपको स्किन कलर के बेसिस पे जज नहीं करते हैं. ऑल दे सी इज कि आपका स्किन कितना क्लियर है. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया दे नीड. स्किन कलर मैटर नहीं करता कैबिन क्रू बनने के लिए. लेट्स टॉक अबाउट स्कार्स और बर्थ मार्क्स ऑन योर हैंड और एनी वेयर यू नो ऑन द विजिबल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. बहुत सारी एयरलाइंस के इंटरव्यूज में स्कार राउंड होता है जहाँ पे वो आपका स्कार या बर्थ मार्क चेक करते हैं. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्कार विच यू कैन यू नो कंसील इट विथ मेकअप एंड वो विजिबल नहीं है, सो दो काइंड ऑफ स्कार और बर्थ मार्क्स आर डेफिनेटली अलाउड. बट इफ समथिंग इज वेरी ऑब्वियस एंड विजिबल देन इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन कि वो आपको हायर करते हैं कि नहीं. सो इफ यू हैव एनी सच स्कार और बर्थ मार्क एंड यू थिंक इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑन द इंटरव्यू डे देन यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड कंसील इट. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज वॉट आर द स्किल्स यू रिक्वायर टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एनी एयरलाइन. जब आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं सो यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर दोज इंटरव्यूज. टू बिकम अ कैबिन क्रू इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू मेक श्योर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम प्रॉपर है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी है एंड अगर ग्रुप में बिठा दिया गया इन अ टीम देन हाउ डू यू वर्क इन अ टीम. सो बेसिकली योर टीम वर्क स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारे जो स्किल्स हैं इन्हीं के बेसिस पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं कैबिन क्रू के. फॉर एग्जाम्पल जीडी राउंड, पर्सनल इंटरव्यूज, ऑल दीज थिंग्स यू कैन क्लियर इट इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड गुड टीम वर्क स्किल्स. आप ये सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियोज देख के या फिर अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको ये सारी स्किल्स अच्छे से एनहांस करके बताया जाता है. सो दीज आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल एयरलाइंस. मैंने बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कवर अप कर लिए हैं बट इफ समथिंग इज लेफ्ट देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देन यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल आंसर इट फॉर यू. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कैबिन क्रू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक क्लियर पिक्चर मिल गया हो बिकॉज आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. बट अगर कुछ मिस आउट हो गया है देन यू कैन ऑलवेज चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ कैबिन क्रू इन पर्टिकुलर एयरलाइन. अगर आप इंडिगो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया चेक करना, अगर आप कतर एयरवेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया चेक करना. ऑलवेज ऑलवेज चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू और टू अपियर फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू इन एनी एयरलाइन बिकॉज थोड़ी बहुत क्राइटेरियाज फ्लक्चुएट होती रहती हैं, डिफर होती रहती हैं. सो मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स बिफोर यू ट्राई फॉर द एयरलाइन. सो एज आई टोल्ड यू आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ कैन यू बिकम अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल एयरलाइन. सो किसी भी एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के लिए आपको उनका जो इंटरव्यू होता है कैबिन क्रू का वो क्लियर करना पड़ता है. उस इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? ऑलवेज ऑलवेज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दोज पर्टिकुलर एयरलाइंस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिगो में कैबिन क्रू बनना है तो आप इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के डेट्स होते हैं यू कैन ऑलवेज चेक. यू कैन चेक कि वो वॉक इन इंटरव्यू है या फिर वो इनवाइट इंटरव्यू है. सो कैबिन क्रू बनने के लिए किसी भी एयरलाइन में आपको उनका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है. दिस इज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ हाउ यू कैन सर्च अ कैबिन क्रू ओपन वैकेंसी. सो लेट्स बिगिन विद द डोमेस्टिक एयरलाइन विच इज इंडिगो एयरलाइंस. सो सबसे पहले आप क्रोम में जाएंगे, उसमें जाके यू विल सर्च इंडिगो स्लैश करियर्स. नाउ यू कैन सी इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जॉब्स दिखा रहे हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक ओनली फॉर कैबिन क्रू तो यू कैन प्रेस ऑन कैबिन क्रू. बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेक एवरी अदर डिपार्टमेंट देन यू कैन जस्ट प्रेस द लिंक विच इज़ रिटन इंडिगो करियर्स एंड द मोमेंट यू प्रेस इट विल टेक यू टू इंडिगोज ऑफिशियल वेबसाइट. नाउ यू अगेन हैव टू प्रेस इंडिगो करियर्स एंड द मोमेंट यू प्रेस यू कैन सी द हायरिंग पेज. उसमें जो लिखा है नाउ हायरिंग यू हैव टू प्रेस दैट एंड नाउ यू कैन सी ऑल द डेट्स फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू डाउन हियर. जितने भी सिटी में इंटरव्यू हो रहे हैं वो सारे सिटी के इंटरव्यू डेट्स मेंशनड हैं विथ लोकेशन एंड विथ टाइम. और अगर आप इन इंटरव्यूज़ पे प्रेस करेंगे तो आपको उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख जाएगी. सो मेक श्योर यू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर यू अप्लाई फॉर दीज इंटरव्यूज़. एंड ये सारे इंटरव्यूज़ वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, सो यू डोंट हैव टू इवन अप्लाई इन एडवांस फॉर एनी ऑफ दीज इंटरव्यूज़. जो भी लोकेशन आपके घर से नियर है आप वहाँ पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस नाउ. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कतर एयरवेज. सो यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स. यू हैव टू गो टू गूगल क्रोम, उसमें जाके आपको टाइप करना है कतर एयरवेज करियर्स. जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा इसमें भी आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे. सो इफ़ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर कैबिन क्रू सो यू हैव टू सेलेक्ट कैबिन क्रू एंड कैबिन सर्विसेज. इसमें आपको सारे इंटरव्यू के डेट्स अगेन मिल जाएंगे.
और इनके जो इंटरव्यू के टाइटल्स हैं उसमें ही वो लिखे होते हैं कि वो वॉक इन इंटरव्यू है या फिर यू हैव टू अप्लाई. सो इफ़ इट इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू यू कैन डायरेक्टली वॉक इन एंड गिव योर इंटरव्यू. बट इंडिया में मोस्टली इन्विटेशन बेस्ड पे इंटरव्यूज़ होते हैं कतार एयरवेज़ के. सो यू ऑलवेज़ हैव टू अप्लाई एंड वेट फॉर देयर मेल. एंड जब भी वो मेल आता है उसमें टाइम डेट लोकेशन सब कुछ मेंशन होता है. सो यू कैन गो एंड गिव योर इंटरव्यू. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट कैसे ढूंढते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी फेक वेबसाइट्स आउट देयर. तो कैसे फाइंड करें कि ऑफिशियल वेबसाइट है. मैंने अपने एक वीडियो में विच वॉज हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू उसमें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है. उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी. यू कैन क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यू कैन फाइंड जो मेजर एयरलाइंस होती हैं उन सबके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक. उस लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस एयरलाइन में कैबिन क्रू की वैकेंसी ओपन है. एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दैट एयरलाइन देन यू कैन ईदर अप्लाई फॉर दैट जॉब और यू कैन ईदर वॉक इन एंड गिव योर इंटरव्यू एंड बिकम अ कैबिन क्रू इन दैट एयरलाइन. एंड इफ आई हैव क्लियर्ड एनी ऑफ योर डाउट्स थ्रू दिस वीडियो देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी द हैप्पीएस्ट बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरा एक रिसर्च करके नोट्स बनाया था कि यू नो वॉट ऑल टॉपिक्स आई कैन कवर इन दिस वीडियो एंड आई होप आई डिड. यू हैव एनी फर्दर डाउट्स रिगार्डिंग क्राइटेरियाज फॉर अ कैबिन क्रू देन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन इन द comment section below and I will answer it for you. And I hope you like this video and you can subscribe this channel for more such videos. I'm gonna be posting more cabin crew content. So make sure aapne subscribe kiya hai aur wo bell icon ka button dabaya hai so that you get notification every time I upload a video. To agar aap ya fir aap kisi ko bhi jante hain wo cabin crew banna chahte hain then definitely share my channel to them. Stay updated because there's gonna be more amazing content coming in. Thank you so much for watching this video and I'll see you again in my next videos. Bye.